खाने में आपको दिखाता हूँ आमना ने क्या बनाया है। पेंडवा कार मशीन आई कॉफी दी वक्त पै। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका भाई आ गया है न्यू वीडियो के साथ, तो मेरे साथ है मिसेज उमर। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ है मेरा दिलबर जानी। हम जा रहे हैं। पारा बहुत है, तो हम लोग जो है ना कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। कल आपको पता ही है कि दुकानें बंद हो गई, 10 बज गए थे। तो सुबह सुबह मैंने कहा नाश्ता किया ना, तो हमने कहा चाह के ना करके सामान वगैरह ले आए, क्योंकि फिर ना कुछ नहीं है वाले के लिए, ना कुछ भी नहीं है खाने के लिए मेरे ना। पापा का दिल भर जा गया, तो चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। और फिर आज जो है ना क्या करना है, आज हमने एयर फ्रायर की ओपनिंग, तो फर्स्ट टाइम उसकी ना अंदर कुकिंग करेंगे। एयर फ्रायर के अंदर देखते हैं पकता भी, एक खिलौना तो नहीं आ गया, कैसे बनते हैं खिलौना तो नहीं आ गया कि। चलो फिर चलते हैं और जाके शॉपिंग करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। लोग शॉपिंग करने आ गए हैं और ये देखें जरा, आए इधर देख, ये तो बहुत ही प्यारा बेबी है। ये देखो जी, हमेशा की तरह इसको ना ये इधर सही रहता है, छोटा सा है, मैं क्या करूँ इसका, प्यारा बहुत है। ये शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ ना हो गई शॉपिंग, पत्ती रह गई है। ये मेरा दिलबर जानी जो है ना, ये भी सही हो रहा, इंजॉय करता है ये बात। तो लो जी शॉपिंग सारी हो गई है, ठीक है आमना, तो अब जो है ना एयर फ्रायर में जाके कुछ कुकिंग शुकिंग भी करते हैं। जान महंगाई महंगाई लगेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना ले लिया सारा। तो अब जो ना महीना 2-3 हफ्ते हमें आराम रहता है, फिर 2-3 हफ्ते नहीं, महीना शुक्र है हमारा जो खाना पीने की चीजें है ना हमारी 3-4 महीने चली जाती है, 3-4 महीने चली जाती है, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है ना, छोटी फैमिली और थोड़ा सा तो पकता, और हम होते भी यहाँ पे काम ही है, ज्यादा नहीं रहते ना यहाँ पे, फिर हमारी चीजें बचती है। तो चलो फिर अब चलते हैं, मेरे बाला ने केला खाना था, केला खा रहा मेरा बच्चा, तो अब चलते हैं अपार्टमेंट पे और फिर देखते हैं कि फ्रायर में क्या आज फ्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। शॉपिंग करके ना घर आ गए हैं और ये बाला जो है ना वॉकर चला रहा है अपनी, और अब जो है ना कुकिंग की तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं फिर आज क्या फ्राई करते हैं। हम लोग जो है ना शॉपिंग करके भी आ गए थे, फिर अब जो है ना हमने लंच भी कर लिया, लंच में फ्रूट चाट खाई थी, और अब क्या करना है अपना, अब जो मेन चीज है, काफी अरसे से ना मतलब काफी दिनों से वो और देखते हैं कि क्या पैक है, कोई खिलौना तो नहीं लाए ये पीछे पड़ा हुआ इसकी ना, देखते हैं कि क्या क्या है, ओपनिंग करते हैं इसकी, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये दो किताबें हैं इसके अंदर, ये तो नहीं लगता है स्टिकर टाइप है शायद, ये देखो अंदर भी इसके पैकिंग की हुई है इन्होंने, ये आमना का एयर फ्रायर, मेरा थोड़ी आपका भी है, मेरा भी चीज मेरी, ठीक है ये आमना का, ये सारे ये लगे लुक दिखाते हैं आपको, आपको इसकी लुक दिखाते हैं, ब्लैक है, ग्रे चाहिए था लेकिन ग्रे अवेलेबल नहीं था वहां पे, ये देखो जबरदस्त, ये देखो 4.2 लीटर है ये। तो ऐसा है कि पहले हम इसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, सेट करते हैं, उसके बाद फिर हम ना इसमें आपको दिखाते हैं क्या बनाते हैं। तो बस इसको धो लिया, अब आलू के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, और ये देखो ये जो है ना दराज भी खोल लेती है, सारा कुछ कर लेती है, और ये तोड़ देना इसे सारा तोड़ देना किचन, देखो जरा ये तक तक तो हाथ आ जाएगा मेरे बच्चे का, बाले का हाथ आ जाएगा, ये बहुत गंदा बेबी हो गया हुआ है, ये बहुत गंदा बेबी है, ये अच्छा बेबी नहीं है। अब मसला ये हो गया कि इसकी जो ट्रे है ना उसमें थी नहीं, डालो सारे, फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर के अंदर चिप्स बन रही है, 160 पे रखा है मैंने, ठीक है 160 पे 15 मिनट कर दूंगा, ठीक है। तो बस अब ये जब बनती है ना तो फिर आपको दिखाते हैं, तो ये ना बस होने लगी है लगता है चिप्स हमारी, खोल के दिखाते हैं आपको, देखते हैं क्या चिप्स कैसी बनती है। रमजान में ना
रमजान में और ऑयली चीज़ें खा करके बंदा ना थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसमें पकौड़े चिकन, अगर आप पॉप्स बनाना चाहते हैं तो वो आराम से आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। खा सकते हैं, बस ये जीरो पे आने लगा है और इसकी बेल हो जाएगी, ये देख बंद हो गया। चलो जी अब बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह पढ़ो। और ये देखते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी फ्राइज जो है ना वो रेडी है, क्रिस्पी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करना फिर वो जल जाती है। ये आयत ने भी खाने ना सॉफ्ट चाहिए थी आयत के लिए। अब हम डालेंगे नगेट्स, ये विदाउट ऑयल है, ओए होए विदाउट ऑयल है, और इसमें जाएंगे नगेट्स। अब इसमें जाएंगे नगेट्स, वो फ्रोजन है ना तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसको हम 20 मिनट देते हैं। हां ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक टाइम है। चलो नगेट्स जो है ना तकरीबन वो भी हो गया, कितना टाइम दिया था इन्हें? 20 मिनट दिया है क्योंकि ये फ्रोजन है इसीलिए इसको ना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। तो फ्राइज तो ख़त्म भी हो गए हैं, मज़ा आ गया यार, मैं तो यकीन मानो ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया। तो ये भी बस फ्राइज बने करेंगे इस तरह और थोड़े से साथ में वो पॉप्स बना करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान में। लेकिन मैं तो फिर जाऊँगा उम्रे पे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो नियत आपके भाई ने कर ली है कि रमज़ान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जाएगा, पहले 10 रोज़े ना उमरा करना, तो नियत हो गई है, बाकी अल्लाह के बेहतर जानता है। तो बस जाएंगे, तो बस ये होने लगा है, बस दिखाता हूँ आपको, ये बस बंद होने लगा है, तो हमने बस होने लगा है, ये फर्स्ट टाइम हम नगेट्स बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम नगेट्स बनाए हैं एयर फ्रायर में अपने। तो हो गया है ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके आना, तो बिस्मिल्लाह की बरकत, तो ये जबरदस्त हो गया। तो हमारे साथ हैंड हो गई है, हैंड ये हुए हैं, क्या हुआ हमने हमारे साथ ये कि इसकी ट्रे नहीं, इसकी ट्रे नहीं है यार, वो घर वाले की ट्रे है जबरदस्त, इसके अंदर ट्रे नहीं है, लेकिन ये चेक करो यार, ये तो मैं कहता हूँ आमना पैसे पूरे हो गई, लेकिन ट्रे लाजमी होना चाहिए, ये ट्रे तो वो मैंने देख लिया ऑनलाइन मिल जाएगी, वो कोई बात नहीं, भी है और ये देखिए जरा, ये देखो ओए होए जबरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखो ये जो गंदा बेबी है ना, ये कह रहा मुझे दो, ये अपना वो खा रहा है, ओए होए 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 होए, ये तो मैं कहता हूँ मजा ही आ गया, पैसे पूरे हो गए हमने, तो रमजान में जो मजे आने हैं ना, मैं तो डीप फ्राई चीजों के बड़ा अगेंस्ट हूँ आमना को पता ही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऑयल से भी ज्यादा जबरदस्त और क्रिस्पी बने, क्रिस्पी बने हैं। तो लो एक ट्राई करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो यार वाकई क्रिस्पी बने हैं आमना, बहुत जबरदस्त बने हैं माशाल्लाह यार, मजा आ गया यार, कमाल हो गया, ऑयल में डिप की हुई चीजें ना वो नहीं सही रहती, ये तो ओहो मजा ही आ गया, अगर आप पॉप्स बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तब ना आपका भाई इसको ट्राई करके दिखाता है यार, क्या क्या लगा के, ओए होए होए होए, ये लग गई है केचप, यार जब स्टीम करते हैं ना उस पर ये क्रिस्पी पन नहीं आता, ऐसे ही है ना, तो जब एयर फ्राई करोगे उस पर क्रिस्पी पन आ जाएगा, ओए होए होए मजा आ गया। ये पेंटिंग आपको पता ही है गिफ्ट मिली हुई थी हमें, ओहो ये भी मजा आ गया यार, मजा आ गया। खाने में आपको दिखाता हूँ आमना ने क्या बनाया है, ओए होए होए, ते मैं कहता हूँ ये तो वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सब्जी, जो कि मैं बहुत खाता था ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा वन ऑफ माय फेवरेट, हेल्थी लाइट हर तरह के बंदे को हजम होने वाली सब्जी है ये, ठीक है ना, असी तो कहने हैं ना जो लोग होते हैं ना गोश्त के शौकीन, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त चिकन भुने हो यार, वो अगर ये चीज जो बंदा ये चीज़ पसंद ही ना करता यार वो इंसान ही नहीं का यार, इंसान से मुराद है कि मसलन ये चीज़ जो है ना ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो न्यूट्रिशन है ना वो लाजमी चाहिए, मैदे की बीमारी हो डॉक्टर कहता है सब्जियाँ खाओ, जो भी बीमारी हो डॉक्टर कहता है ये खाओ, इसलिए ये लाजमी खानी चाहिए यार, हफ्ते में एक दिन लाजमी ये सब्जी होनी चाहिए, मज़ा आ जाता है यार।
हम सस्ती देनी है, लोग समझते हैं सस्ती है सब्जी, सब्जी तो महंगी है और गोश्त से ज्यादा महंगी है। चलो फिर आप देखते हैं रात को, कॉफी मशीन भी ट्राई करनी है यार, कॉफी भी देखते हैं कॉफी किस तरह बनती है, ठीक है हमने कॉफी भी ट्राई करानी है हमने को रात को, ठीक है चलो फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। अब जो है ना हम खाने लगे हैं डिनर में, ये मज़ा आ जाना है। और लोगों ने कहना है कि लहरा प्लेट में क्यों नहीं आ पा रही है, जी मज़ा आता जी क्यों आना ऊपर रख के रोटी क्या आता है, रोटी साइड की प्लेट ही जो है ना फिर वो मज़ा नहीं आता यार। खाना खा लिया ना हमने तो अब ये खाना खा लिया ना हमने तो अब ना आए हैं ना अंदर, तो मैं अंदर आया ना तो ये खेल रही थी, खुद ही खेल रही होती है अपने ना, खुद ही कोई बच्चा जो है ना इतना मासूम होता है वो खुद ही अपने ना तरीके बना देता है खेलने के, वो खुद ही सोप बना देती है कुछ ना कुछ, कभी इसको पकड़ लेगी कभी कुछ करेगी कुछ करेगी। पारा बेबी है छोटा चाहे मैं क्या करूँ इसका, भाई क्या है पापा पापा मम्मे क्योंकि मम्मा वो जूस पिला रही है ना उसका थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए अब मम्मा मम्मा लगी हुई है, पापा नहीं कहता अब ये गंदा बेबी हो गया हुआ है, ये पहले बहुत अच्छा बेबी होता था आहिस्ता आहिस्ता ये तेज होता जा रहा है। तो अब जो है ना मैं जा रहा हूँ केक लेने, क्योंकि हम जो है ना फिर कॉफी बना के ना केक सारे इंजॉय करेंगे, केक खुद बनाना था लेकिन चीजें नहीं थी घर पे, मैंने कहा चलो बाहर से ले आते हैं सिंपल केक, चलते हैं केक लेके आते हैं और फिर कॉफी बनाते हैं। क्विक सर्विस आपका भाई ले भी आया यार बहुत जल्दी, ये देखो केक पकड़ भी लिया और ये बगैर बदामों के क्योंकि आयत ने भी खाना है तो इसलिए सिंपल लेके आए हुए, तो चलते हैं। आमना भी कह रहे थे जल्दी आ गया, गाड़ी में गया हूँ फिर मैं पैदल नहीं गया, ठंड बहुत ज़्यादा बाहर और हालात भी कुछ ऐसे नहीं है कि बंदा पैदल जाए सीधी जड़ी गाल ले, तो इसलिए गाड़ी पर गया हूँ जल्दी आ गया मिनट लगा, चलो फिर चलते हैं। तो चले आप जो है ना कॉफी मेकर जो है ना उसको भी चेक करवाते हैं आप, तो वो क्या चले यहाँ पैसा है कि आप हम कॉफी मेकर को ओपन करते हैं और आए थे पीछे चीखों की आवाज आ रही होगी, मैं जान के कर रही ऐसे कि वीडियो बजा रहे हैं ये वीडियो पे नहीं आ रही वो, तो चलो आप जो है ना देखते हैं कि कॉफी मेकर कैसा है। भावना इसको ओपनिंग करेगी इसकी, तो ये रहा कॉफी मेकर, जबरदस्त लग रहा है ना मुझे तो, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, स्पून भी है ना इससे वो डालेंगे कॉफी, तो बस इसमें बनाते हैं कॉफी। तो पहले पानी जो है ना वो यहाँ पे डालना है, मैं वही सोचता था कि ये मयरिंग बना हुआ है तो यहाँ पे पहले पानी डालना है आपने, ठीक है जितना आपने कॉफी शॉफी पीनी है, वो आमना ने दूध वाली पीनी है और ये नीचे कप आ जाएगा, ठीक है ये आ गया और इसके फिल्टर के अंदर कॉफी जितनी डालनी है आपने वो डालनी है, इसको हम बंद करते हैं, ठीक है ये इसके अंदर आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत, अब इसको ऑन कर देना तो अब कॉफी जो है ना इसके अंदर बन के आ जाएगी इंशाल्लाह, ये जो पॉट है चलिए आप दिखाते हैं इनके कैसे आती है, मैं दिखाता भी हूँ आपको, ये देखिए ये देखो जी कॉफी बनना शुरू हो गई है, वो आ भी गई है नीचे कॉफी, चेक करो यार ये देखो कॉफी कॉफी आनी शुरू हो गई है नीचे, वाह मैं कहता हूँ कमाल ही हो गया मेरी आ चली है, यहाँ से पानी गर्म होता है और यहाँ पे आ जाता है और ये देखो कॉफी बन रही है यार जबरदस्त मजा ही आ गया है, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। अरे मेरा बेबी जो है ना वो गुच्छे में है बहुत ज्यादा, वो पारा बहुत है मैं क्या करूँ इसका, तो वो कहते हैं ना पेंडुआ कार मशीन आई कॉफी दी वक्त है घंटा हो गया यार, अब फाइनली फाइंड आउट कर लिया आपके भाई ने किस तरह बनती है कॉफी, ये सिंपल सी मशीन है कोई इतनी महंगी भी नहीं है, कोई ये नहीं कि कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है इतनी सिंपल सी है, बस शौक था वो करते हैं कि बस अमीरों के चोंचले पेंडवा में शौक है ऐसी कि ऐसी कॉफी पिए बना के तो पैसे बांध रहे, ये बहुत मजा आएगा घर पे वो भी बन सकती, लेकिन इस पे मैंने कहा था पैक होता है, जैसे ही यहाँ पे पानी खत्म हुआ है ना तो इसको बंद कर देना, बंद कर दिया तो अब ये ना अमीरों के चोंचले आ रहे, देखो जी सुबहान अल्लाह ये है हमारी कॉफी, इसको डालेंगे हम इसके अंदर कप के अंदर, ओए ओए ये है ब्लैक कॉफी, दसो यार ये थोड़ी हम ना पी लेगी, तो बाकी जो है ना दूध गर्म किया हुआ है क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं बनाई, दूध दूध गिर गया थोड़ा सा, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई हमने, इसमें इसके अंदर डाल देता हूँ
क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनवाई ना हमने, स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी। मैं पीने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग। और ये देखो जी अपनी कॉफी तैयार हो गई। दसो यार ये इतनी गाढ़ी नहीं है, मसलन के इतनी डार्क कॉफी नहीं है, इसको आप कैपेचिनो भी कह सकते हैं। कैपेचिनो तो लाल नहीं रही, कैपेचिनो ऐसे नहीं होती। ये आमना ने पीनी थी इसलिए आपके भाई ने थोड़ी ना हल्की बनवाई है। गंद डाल गया है यार, फर्स्ट टाइम। चलो कोई बात नहीं, सिप लेता हूं एक ना, मैं बताता हूं अभी कि सही बनी है कि नहीं। हालांकि मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूं कि इतनी आमना ने ना वो कम डाली है। क्या बात, और पानी डाल दिया। हां मजा आ गया यार, यकीन मानो। मुझे ना ऑस्ट्रेलिया में मैं पीता होता था सुबह डेली उठ के, लेकिन मैं पीता होता था ब्लैक कॉफी का शौकीन हूँ मैं, सर्दियों में सिर्फ, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में। मैं आपको बताऊँ, मुझे तो अमेरिकन बातों से और क्या कहते हैं यार पता नहीं चलता कि मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। मैं कावेरी चाय पीने से साथ ही गलत है ने। क्रिकेट खेलते वक्त भी पहले मैं ब्लैक कॉफी देता 7-Eleven से $1 की, अभी भी $1 की है मेरे यहाँ, $1 की ब्लैक कॉफी पीता था वहां से। क्योंकि ब्लैक कॉफी से जो एनर्जी इंसान को मिलती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल चाय से मिलती है, ब्लैक कॉफी से बड़ी एनर्जी मिलती है। तो अब जो है ना, जो केक लेके आया था ना आपका भाई, वो भी ट्राई करते हैं। हाँ मैंने बताया, अब 10 साल का उमर वापस आ गया, जो छोटा उमर होता था वो वापस आ गया। आदमी गाड़ी मेरे नहीं मुझे दे रही, मैं चाह रहा हूँ गाड़ी चेंज करूँ, कह रही नहीं पैसे जोड़ो, जोड़ सारा फिर आई जाना, खाओ खाता पीता ही काम आना है, अगे पता ही नहीं है, गलत है, खाता पीता ही काम आना है। चले फिर भाई को दीजिए इजाजत, दुआ में याद। मैं सच आपको किस चीज का सबसे ज्यादा मजा आया आज सारा दिन ना, यकीन मानू ना, क्योंकि बड़े अच्छे बाद मैंने कॉफी पी आज ना, क्योंकि वो मुझे याद है मरी के ट्रिप में मैंने कॉफी पी थी। हाँ, और फिर ये हम जब हम गए थे जाते हुए भी, नहीं मैं इनको मक्का में मैं इनको डेली कॉफी बना के दिया करती थी। हाँ मक्के में भी कॉफी पी मैंने, मदीने में भी मैंने कॉफी पी है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा, लेकिन हमने कॉफी कम डाली थी, कॉफी कम डाल दी। मुझे था कि डाउट था आना पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं, मैं तो बगैर दूध के पी लेता हूँ ब्लैक कॉफी नहीं। तो बस फिर शुगर लगाते रहेंगे आप ये कॉफी मेकर के साथ और उसके साथ एयर फ्रायर के साथ शुगर लगाता रहेगा आपका भाई। तो आप अपने भाई को याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।